हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफल इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग सप्रेस का मतलब क्या होता है जानेंगे। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, रोकना, कुचलना, दमन करना, अवरोध करना, अंत करना, छिपाना, समाप्त करना, पराजित करना होता है। और सप्रेस वर्ड का हिंदी में तीन तरह का मतलब होता है। फर्स्ट है ताकत के प्रयोग से किसी को शांत कर देना, दमन कर देना, इसके लिए भी सप्रेस वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है किसी बात को प्रकट ना होने देना यानी छिपा लेना, इसके लिए भी सप्रेस वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट भावनाओं यानी क्रोध, झुंझलाहट, प्रसन्नता को दबा लेना, उसको किसी के सामने व्यक्त ना होने देना के लिए भी सप्रेस वर्ड का यूज किया जाता है। अब चलिए सप्रेस वर्ड के सेंटेंस के एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही कुड स्केयर सेली सप्रेस ए लाफ। स्केयर सेली का मतलब होता है शायद ही, वह शायद ही एक हंसी को दबा सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी वाज अनेबल टू सप्रेस, वह दबा नहीं पा रही थी हर एंगर अपने गुस्से को। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ वह अपने गुस्से को दबा नहीं पा रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ यू ट्राई, यदि आप कोशिश करते हैं टू सप्रेस दबाने की योर इमोशन अपनी भावनाओं को, इट कैन कॉजेज मेनी प्रॉब्लम, यह कई समस्या पैदा कर सकता है। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ यदि आप अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं तो यह कई समस्याएं पैदा कर सकता है। अब चलिए सप्रेस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानते हैं। सप्रेस का सिनोनिम्स यानी इसका सिमिलर वर्ड्स डिफीट, डिफीट का मतलब होता है किसी को हराना, कर्ब, कर्ब का मतलब नियंत्रित, क्विंच, क्विंच का मतलब होता है बुझाना, दबाना, रिप्रेस, रिप्रेस का मतलब नियंत्रित करना, महसूस ना होने देना, सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है किसी को हराना। सप्रेस वर्ड का एंटोनिम्स इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है भड़काना, इनकॉरेज, इनकॉरेज का मतलब होता है हिम्मत बढ़ाना, पब्लिसाइज, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से प्रकट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको सप्रेस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।